हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार बाइक 360। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। माय नेम इज़ वीवू और आप मुझे देख रहे हो आज कार बाइक 360 पे। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आप ऑटोमोबाइल का यहाँ पे मिस आउट कर रहे हो। अब क्या है दोस्तों, N160 के अंदर पल्सर N160 जो है वो लेटेस्ट एंट्री है बजाज के द्वारा, और आज से तकरीबन 3 महीने के आसपास पीछे हम चले, 3-4 महीने पीछे चलें तो आपको N250 सीरीज़ पे बेस्ड पल्सर देखने को नज़र आ रही होंगी। ये एक्चुअली उसी के ऊपर बेस्ड है बट विद अ छोटा इंजन, यानी कि 160cc का इंजन। और क्या परफॉर्म ये कर रही है, क्या इसके प्राइसेस हैं, किस तरीके का स्ट्रक्चर इसको दिया गया है, क्या क्या फीचर ऑप्शन है, उन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों बात करते हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। An open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. Some Chardonnay. So, दोस्तों सबसे पहले बढ़ते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ, और जब आप यहाँ पे बढ़ेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको इसकी ये आईब्रो शेप्ड DRL देखने को नजर आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये आँखें हैं पल्सर की, एन सीरीज़ पल्सर की, या नीचे जो है वो बाई फंक्शन आपको प्रोजेक्टेड हेडलाइट सेटअप देखने को नज़र आएगा। अच्छा लग रहा है इसके ऊपर काफ़ी, और नीट एंड क्लीन जो है वो रखा गया है। इनफैक्ट यहाँ पे आपको काफ़ी सारा पैटर्न भी ऑफर होता हुआ नज़र आएगा पल्सर में। और ये कुछ इस तरीके का टर्न इंडिकेटर जो एडजस्टेबल है थोड़ा सा, या फ्लेक्सिबल हम कह सकते हैं, ब्लैकआउट किया गया है इसको भी थोड़ा सा रगेड लुक देने के लिए। यहाँ पर आपको जो है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इनका ट्रैवल तकरीबन 37 mm का है अगर आप इसको डुअल चैनल ABS में लेते हैं। और दूसरा वर्जन भी है इसका सिंगल चैनल ABS का, जिसके अंदर ये 31 mm के ट्रैवल के साथ में ही आएगी दोस्तों। यहाँ जो है वो आपको 300 mm का डिस्क मिलेगा अगर आप लेते हैं इसको डुअल चैनल ABS के साथ में, जबकि सिंगल चैनल ABS आपको थोड़ा छोटा नज़र आने वाला है। 180 रेडियल 17 इंचेस के टायर्स हैं, एंड अलॉय व्हील्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। नायलॉन ग्रिप जो है वो टायर्स आपको देखने को नजर आएंगे। बाय द वे आपको ग्रेमा के डिस्क कैलिपर जो हैं वो ब्रेक कैलिपर्स ऑफर होते हुए नज़र आएंगे। साइड प्रोफाइल में अगर हम थोड़ा सा चलें तो आपको इसकी राइड हाइट थोड़ा लगेगा कि लोवर्ड रखी गई है, 795 mm की जो है वो उसको राइड हाइट दी गई है, जबकि 1348 mm के आसपास आपको इसका जो है वो व्हील बेस यहाँ ऑफर किया गया है। अब दोस्तों साइड प्रोफाइल में क्या गया है उनके बारे में भी ज़रा बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आएगा इधर आप पल्सर की बैजिंग यहाँ पर देखेंगे, और साथ ही साथ बहुत सारा पैटर्न ऑफर होता हुआ देखेंगे, काफ़ी नीट लगती है। और अगर आप इस सेक्शन से देखें तो यहाँ पर जो है वो एक 14 लीटर का आपको फ्यूल टैंक भी ऑफर होता हुआ नज़र आएगा। इसकी सीट भी जो है वो पोस्चर ऐसा रखा गया है कि ये थोड़ा स्पोर्टी लुक ज़्यादा ऑफर करे। N160 की बैजिंग इधर, बहुत सारा पैटर्न दोस्तों देखने को नज़र आएगा। ये है वो 164cc का इंजन जो अच्छी खासी पावर फिगर्स भी डिलीवर करता है, एंड तकरीबन 16 bhp ये प्रोड्यूस करता है, और 14.65 Nm का टॉर्क, 5-speed कॉन्स्टेंट मेश ट्रांसमिशन के साथ में लगा हुआ है, 4-stroke सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट, 2-valve ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। थोड़ा पीछे चलेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो टायर हगर भी ऑफर किया गया है, एंड साथ ही साथ अगेन 230 mm का जो है वो डिस्क ब्रेक देखने को नज़र आएगा, और काफ़ी सही है डिस्क ब्रेक पीछे भी। और अगर आप देखें तो मोनोशॉक सस्पेंशन आपको इधर भी ऑफर किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों अभी टाइम आता है कि हम लोग बढ़ें इसकी रियर प्रोफाइल में, और जब हम रियर प्रोफाइल में चलते हैं तो यहाँ पर देखिए LEDs अगेन इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा, हालाँकि टर्न इंडिकेटर पर LEDs का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इधर ज़रूर आप सारी गार्ड देखोगे, और उसका डिज़ाइन भी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, और चेन मैकेनिज्म ही यहाँ पर पल्सर के अंदर इस्तेमाल किया गया है, तो आपको तकरीबन हर 800-900 km के आसपास इसको मेंटेन करना पड़ेगा। थोड़ा इसका ग्रीसिंग करवाइए और चेन एकदम प्रॉपर जो है वो काम करेगी। यहाँ अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके के गियर लीवर आपको ऑफर होते हुए नज़र आएंगे। तो ये ORVM आप यहाँ पर देखिए, ORVM नहीं, इनको हम लोग रियर व्यू मिरर कहना ज़्यादा पसंद करेंगे। मुझे सबसे बेहतरीन लगता है इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो डिजिटल भी है, एनालॉग भी है, और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे पल्सर के अंदर बजाज ने इसको इंटीग्रेट किया है। डैशबोर्ड के काफ़ी सारे सिंबल्स, और इधर जो है वो आपको ABS यूनिट ऑफर होते हुए नज़र आएगी। यहाँ पे मतलब साइन दिया गया है, ये टैकोमीटर, और इधर जो है वो डिजिटल डिस्प्ले जिसमें स्पीडोमीटर, डिस्टेंस टू MT, एवरेज, ये ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, ये सारी चीज़ें ऑफर होंगी। इधर अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके की आपको बजाज पल्सर N160 की चाबी देखने को नज़र आएंगी।
काफ़ी सिमिलर है बाकी पल्सर एन सीरीज़ में आने वाली बाइक, यानी कि N250 के आसपास। इसको दोबारा ऑन करते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से ये वेलकम करता है। थोड़ा सा अगर मैं नीचे लेके चलूँ तो यहाँ पर आपको USB स्लॉट भी दिया गया है ताकि आप अपना फ़ोन वगैरह इधर से ही चार्ज कर पाएँ। दोस्तों अब बात कर ले थोड़ा हैंडल बार का, तो हैंडल बार थोड़ा शॉर्ट रखा गया है लेफ़्ट साइड में, जहाँ पर जो है वो आपको पास, हाई बीम, लो बीम के बटन्स दिए गए हैं, टर्न इंडिकेटर एंड साथ ही साथ हॉर्न का बटन जो है वो इधर दिया गया है। राइट साइड में आपको किल स्विच ऑफर किया गया है, साथ ही यहाँ पर लाइट के ऑप्शन, कोई भी हैजार्ड लैंप वगैरह के जो है वो ऑप्शन नहीं ऑफर किए गए हैं दोस्तों। सो दोस्तों ये तो था N160 का वॉक अराउंड, और ये काफ़ी हद तक आपको जो है वो पल्सर N250 पे बेस्ड नज़र आई है। कितना प्राइसिंग में लॉन्च की गई है, बाय द वे ये 1,25,000 रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट करती है जब हम बात करते हैं पल्सर N160 की, जबकि अगर आप 25,000 रुपये और एक्स्ट्रा देंगे तो 1,50,000 रुपये में आपको पल्सर N250 भी यहाँ पर बजाज ऑफर करती है, जो ज़्यादा पावरफुल है, पेपी है, पैक्ड है, एकदम परफॉर्मेंस पैक्ड है उन सब चीज़ों के लिए। सो दोस्तों हम मिलेंगे नई एक और नई शानदार वीडियो में, आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।